हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला अरबी। अरबी एक बहुत ही पौष्टिक सब्जी है, इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल डाइजेशन पावर भी अच्छा रहता है। बीपी पेशेंट के लिए भी अरबी एक बहुत ही अच्छी सब्जी है। मसाला अरबी बनाने के लिए पहले हमने ये अरबी को अच्छे से छील लिया है। हमेशा अरबी को छीलने से पहले आप थोड़ा हाथों में ऑयल ले लीजिए, क्योंकि इसके छिलके थोड़े से कटीले होते हैं तो वो हाथों में ईचिंग देते हैं। हमने इसे अच्छे से छील के फ्रेश वाटर से धो के इसमें चीरे कर दिए हैं। और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए चॉप्ड ओनियंस एंड टोमेटो और हरी मिर्ची और अदरक, वो भी हमने चॉप कर लिया है। और ये कुछ नमक मसाले, जीरा, गरम मसाला, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और काली मिर्च। अब सबसे पहले हमने कढ़ाई में एक छोटे पैन में एक ऑयल ले लिया है। और अब हम इस कटी हुई अरबी को शैलो फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हमें इसे शैलो फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है, थोड़ा ही लिया है। आप इसे चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। वेट लॉस के लिए भी अरबी एक बहुत अच्छी सब्जी है। अरबी का सलाद भी आप बना सकते हैं। अभी हम बनाने जा रहे हैं स्वादिष्ट पंजाबी मसाला अरबी। ये देखिए, अब हमारी ये अरबी अच्छे से थोड़ी ब्राउन हो गई है। अब हम इसे एक प्लेट में ले लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये अरबी का कलर इस तरह से फ्राई करने के बाद लाइट ब्राउन हो जाना चाहिए। अब हम इसकी ग्रेवी रेडी करेंगे। अब ये देखिए, हमने ये कढ़ाई में थोड़ा तेल ले लिया है। अब हम इसका तड़का, पहले थोड़ा हींग डालेंगे उसमें, थोड़ा सा जीरा डालेंगे और उसे थोड़ा तड़कने देंगे। फिर हम उसमें ये चॉप्ड ओनियंस डालेंगे। अब ये देखिए, पहले ओनियंस को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये देखिए, अब हमारे ओनियंस फ्राई हो रहे हैं। देखिए, अब हमारे प्याज इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। प्याज को अच्छे से भुनना है तो ही मसाला अरबी में टेस्ट आएगा। और अब हम इन प्याज में पहले थोड़ा नमक डालेंगे एज पर टेस्ट, फिर थोड़ी हल्दी डालेंगे, फिर से हम उसे अच्छे से हिलाएंगे। और फिर अब हम उसमें ये चॉप्ड हरी मिर्चे और टमाटर का पेस्ट डालेंगे। फिर हम इसे अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, अब हमारा ये मसाला अच्छे से भून गया है टमाटर प्याज का। अब हम इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे, जितना तीखा आपको पसंद है आप उतना डालिए। थोड़ा सा काली मिर्ची डालेंगे और ये थोड़ा सा घर का बना हुआ स्वादिष्ट गरम मसाला। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा और ऑयल डाल देंगे ताकि ग्रेवी का टेस्ट यमी हो जाए। अब हम इसमें ये हमारी फ्राई की हुई अरबी डाल देंगे। अरबी को फ्राई करते समय हमने उसमें चीरे लगाए हैं, आप देखिएगा, ताकि वो अंदर से सॉफ्ट रहे, इसलिए।
अब हम इसे अच्छे से हिला लेंगे। इसमें थोड़ा सा इसे पकाने के लिए थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे। हम इस पे लीड ढक देंगे ताकि सब्जी अच्छे से पक जाए। ये देखिए हमारी मसाला अरबी तैयार हो चुकी है। ये देखिए हमारी मसाला अरबी तैयार हो गई है। अब हम इसे धनिया से गार्निश कर लेंगे। यम्मी मसाला अरबी रेडी। अगर आपको मेरी ये मसाला अरबी की रेसिपी अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।